निम्नलिखित व्यंजक का, हमें एक व्यंजक दे रखा है, इसका हमने निकटतम मान बताना है, वो भी पूर्ण संख्या में। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, हमने जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है इसकी हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है, वो भी होल नंबर में। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये जो व्यंजक है इसमें हमें बॉड मास का यूज़ करना पड़ेगा, बॉड मास रूल अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ब्रैकेट भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो देखो 349 इंटू 51 है प्लस 632 डिवाइडेड बाय 31। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। दो बार जाएगा, 31 दूना 62, 3 में से 2 गए 1, ये 2 कैरी करेंगे हम, तो ये 12 तो छोटा हो रहा है 31 से, तो 0 लग जाएगा और पॉइंट की वजह से 1 0 आएगा। फिर ये 31 3 बार जाएगा, 93 पूरा नहीं कट रहा है ये, लगभग अब 8 बार जा रहा है। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने होल नंबर में बताना है, तो 20.38 या 3 भी लिख सकते हैं, 20.38 लिख देते हैं। तो ये जो 62 डिवाइडेड बाय 31 है ब्रैकेट के अंदर था, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व किया हमने, उसका रिजल्ट आया है ये इतना। तो अब हमने क्या करना है, ये 349 और 51 इनको भी मल्टीप्लाई करके देख देना है कि ये कितने होने हैं। 349 इंटू 51, 1 9 9, 1 × 4 4, 1 × 3 3, 5 × 45 24, 17, तो ये 17,799 आया है, 17,799, 17,799। अब प्लस इसमें 20.38, इनको जोड़ेंगे हम, 17,799 इसमें हमने 20.38, इसको जोड़ के देख लेना है कितना हो रहा है, 8 3.9 11, 17,819.38, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 है, तो ये इसको 19 ही लिखा जाएगा, तो 17819 अप्रॉक्स में या लगभग में ये आंसर रहेगा। ऑप्शन में देखें, ऐसा ऑप्शन कोई है ऑप्शन में, तो ऐसा ऑप्शन तो कोई है नहीं, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन होंगे उनमें जो सबसे नज़दीक का आंसर होगा, 17,819 के जो सबसे नज़दीक में यहाँ पे दिख रहा है वो है 17,821, क्योंकि बाकी सब तो 500-500 में है, तो 17,821 क्या रहेगा इसका, बिल्कुल सही आंसर रहेगा अप्रॉक्स में।